बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके एसएसटी की टीचर आसमा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2, दी अर्थ एंड दी एनवायरनमेंट। लेसन नंबर 2, फर्टाइल सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन, हाउ डज फर्टाइल सॉइल टर्न इंटू डेजर्ट? हाउ, कैसे डज फर्टाइल सॉइल, रखेज मिट्टी, टर्न मुड़ती है इंटू डेजर्ट, सहरा की तरफ। हाउ डज फर्टाइल सॉइल टर्न इंटू डेजर्ट? दहेज मिट्टी कैसे सहरा में मुड़ जाती है, यानी कि बदल जाती है। आइए इसका आंसर देखें। इफ वी मिस यूज दी फर्टाइल सॉइल, इट मे टर्न इंटू अ डेजर्ट। इफ वी मिस यूज, अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं दी फर्टाइल सॉइल, जरखेज मिट्टी का, इट मे टर्न, तो ये मुड़ती है इंटू अ डेजर्ट, सहरा की तरफ। यानी कि अगर हम जरखेज मिट्टी का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये मिट्टी जो है वो सहरा में तब्दील हो जाती है। If we misuse the fertile soil, it may turn into a desert. अगर हम सरफेस मिट्टी का इस्तेमाल गलत करते हैं तो फिर वो सहरा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वेज क्रॉप्स आर स्टेपल डाइट? वेज कौन सी क्रॉप फसल आर है स्टेपल अहम डाइट गजा? विच क्रॉप्स आर स्टेपल डाइट? कौन सी फसल जो है वो हमारी गिजा के लिए अहम है? आइए इसका आंसर देखें। राइस एंड वीट आर दी स्टेपल डाइट। राइस चावल एंड और वीट गंदम आर है दी स्टेपल अहम डाइट गिजा। राइस एंड वीट आर दी स्टेपल डाइट। चावल और गंदम हमारी अहम गिजा है। फ्रेंड्स, आप सब ने आज के इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और फिर इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आए या फिर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। कल इंशाल्लाह इस लेक्चर से रिलेटेड हम आपको कुछ क्विज देंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।